हेलो दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ भाई सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा जो पिक्चर हम मैगजीन में खाने की देखते हैं, अगर आप उसको अपने घर में बनाए तो क्या वो सच में उतनी ही कलरफुल, उतनी ही अट्रैक्टिव दिखती है? नहीं दिखती ना। क्या कभी आपने सोचा है बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपने खाने के आइटम का प्रचार करती हैं, वो इतना जबरदस्त कैसे बन जाता है, जबकि आप उसी खाने को अपने घर पर बनाते हैं तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता है? देखिए भाई, मामला कुछ और है। आज के इस अपने एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए ऐड बनाती हैं। वो कैसे आपको अपना ऐड दिखाकर अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आपको मजबूर कर देती हैं। दोस्तों आज हम आपको पर्दे के पीछे की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये कंपनी कैसे अपनी चीजों का ऐड बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। और साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगी घंटी को दबा देना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में किसी भी खाने पीने वाले सामान का एड भाई कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस चीज को लॉन्च करने जा रहे हैं ना, उसकी मार्केटिंग बढ़िया तरीके से हो। और आजकल देखिए मार्केटिंग ही डिजिटल है, अगर आपका एड अट्रैक्टिव है तो समझिए आपका जो सामान है वो हाथों हाथ बिक जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भाई कैसे ऐड की तैयारी चल रही है। आपको बता दूं एक दिन में ऐड बनाने का खर्चा आता है करीब करीब $50,000 से लेकर $100,000 तक। दोस्तों यहाँ पर एक से बढ़कर एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, क्रोमा स्क्रीन यानी ग्रीन पेपर से लेकर कई तरह के लाइट्स भी लगाई जाती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ऐड बनाने का प्रोसेस जितना बोरिंग होता है ना, उतना ही शानदार ऐड बनने के बाद लगता है। ये देखिए कैसे भाई क्लोजअप शॉट्स लिए जा रहे हैं, कैसे सामान को गिरते हुए दिखाया जा रहा है। देखिए मुश्किल काम है ऐड को शूट करना, लेकिन यहाँ पर फिल्मों से ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। जब भी कोई खाने पीने के प्रोडक्ट का ऐड बनाता है तो उसे और ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। वही एक एक चीज को बारीकियों से दिखाने की जरूरत होती है, तब जाकर कहीं खाने के प्रोडक्ट का बढ़िया ऐड बन पाता है। इतना ही नहीं, आपके पास कैमरा भी टॉप क्लास होना चाहिए, और साथ ही एक बार जब वीडियो शूटिंग हो जाती है तो उसके बाद उसे एडिटिंग टेबल पर भी ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। यह देखिए फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनकर आया है। नंबर टू, दोस्तों क्या आपको बड़े बड़े बर्गर बेचने वाली कंपनी के एड्स याद है? क्या आपको याद है कैसे कंपनी अपने बर्गर के सारे आइटम्स को भाई इधर उधर उड़ते हुए दिखाती थी? दोस्तों आज हम आपको इन ऐड के पीछे के सीन्स दिखाएंगे, ठीक है? आज हम आपको बताते हैं आखिर कैसे इस तरह के एड्स बनाए जाते हैं। इनसे मिलिए, इनका नाम है स्टीव, जो कि एड मार्केटिंग में मास्टर कहलाते हैं। इन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बर्गर के एड्स बनाए हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हॉट डॉग्स के एड बनाए हैं। ये देखिए कैसे मशीन की मदद से बर्गर को हवा में उड़ाया जाता है। ये देखिए कैसे अनियन यानी कि जो प्याज है, टमाटर है, बाकी चीजें वो इधर उधर उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है ये मुमकिन भाई कैसे हो पाया? क्या आपने कभी सोचा है ये इतना शानदार विजुअल कैसे बना लेते हैं? दोस्तों इसका एक तरीका होता है, आपको बता दूं कैमरा कैसे यूज करना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ इसको हवा में कैसे उड़ाया जाए आप ये देख लीजिए। एक मशीन होती है जिसके 4 से 5 खाने होते हैं और सब में देखिए स्प्रिंग लगी होती है। जैसे ही एक्शन कहा जाता है मशीन से बर्गर में डालने वाले सारे सामान नीचे की तरफ आ जाते हैं, पर दोस्तों मुश्किल से बर्गर हवा में 1 से 2 सेकंड तक ही रहता है और आपको इसी बीच में कैमरे से शॉट बनाने की जरूरत पड़ती है। आगे और बताएंगे ब्रो सारी बातें, अभी आप बताइए कहां से वीडियो टकाटक करके देख रहे हैं। हाँ लिखिए अपने गांव का नाम, शहर का नाम जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में आके। नंबर थ्री, दोस्तों कुछ दिन पहले स्टीव ने वन नेशन अमेरिका के कैंपेन का एड बनाया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। स्टीव का कहना था कि वन नेशन कैंपेन के एड के लिए इन्हें काफी चीजों को हवा में उड़ाने की जरूरत थी, लेकिन खतरा ये भी था कि कहीं जो कलरफुल पाउडर है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं कैमरे पर ना पड़ जाए। भाई देखिए ऐसी बात है कि कैमरा जो होता है वो लाखों रुपए का आता है, करोड़ों के भी आते हैं, इन्हें बचा कर रखने की जरूरत होती है, एकदम बच्चे की तरह रखते हैं इसको, और ये बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। ये देखिए कैसे पाउडर हवा में उड़ाया जा रहा है, कैसे कैमरे को बचाते हुए इसे विजुअल को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर फोर, अब ये देख लीजिए कैसे चॉकलेट को भाई टुकड़ों टुकड़ों में टूटते हुए दिखाया जा रहा है। आपने गौर किया होगा खाने से लेकर हर प्रोडक्ट में जहाँ पर भाई क्लोजअप शॉट लेना होता है वहाँ पर इस मशीन का यूज किया जाता है, जो कि दोनों तरफ से सामान को फेंकती है और साथ में कैमरे से उसे कैच किया जाता है। देखिए एक बात ये समझ में आ गई कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप एक बढ़िया एड मेकर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है कि 10 से 15 शॉट्स लेने पड़ जाएं और फिर कहीं जाके आपको एक बेहतरीन विजुअल मिले। लेकिन दोस्तों वो एक विजुअल आपके एड कैंपेन को अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है। दोस्तों किसी भी एड को बनाने के लिए ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है कि फिल्म मेकर से आपको यानी कि जो एड बनाते हैं उन्हें क्रिएटिव होना पड़ता है, क्योंकि आपको 10 से 20 सेकंड्स में सब कुछ दिखाना पड़ता है। आपको इतने कम समय में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ आपको एक एक फ्रेम को सही से कैच करने का चैलेंज होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सक्सेसफुल एड मेकर हैं
तो फिर आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, आपके पास काम ही काम रहेगा। नंबर 5, दोस्तों आपने कई बार टीवी पर चाय का एड तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको पर्दे के पीछे की कहानी दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे भाई चाय कप में गिरती हुई नजर आ रही है। ये दिखने में कितनी शानदार लग रही है ना, कोई भी इसको खरीदना चाहेगा। हम लोग खरीदते भी हैं, लेकिन ये देखिए भाई कितने एंगल से एक वीडियो का शॉट लिया जा रहा है, तरह तरह के डायरेक्शन से इसे कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। वही ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको चाय को बस एक कप में गिरते हुए दिखाना है ना, तो समझिए कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लग जाएगा। ये देखिए कितनी तरह की लाइट्स लगी हुई है, कितने लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक दिन में कम से कम किसी भी बड़े एड्स को शूट करने में 50 से 80 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तब जाकर कहीं आपका फेवरेट भाई शॉट निकल के आता है, आपका फेवरेट एड बन पाता है। नंबर 6, दोस्तों ये देखिए कैसे चॉकलेट पेस्ट्री को दिखाया जा रहा है और कैसे ये बना है। दोस्तों एड मेकर्स इस काम में एक्सपर्ट होते हैं कि कैसे क्लोजअप में शॉट्स निकाला जाए, साथ ही दोस्तों कैसे इस कलर को कंबाइन किया जाए कि ये निकल कर सामने आए। ये देखिए कितना शानदार एड बनकर तैयार हुआ है। अब भाई कौन दिखाएगा इस चॉकलेट पेस्ट्री को। नंबर 7, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि वाइन को कैसे एड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए कैसे शीशे ग्लास में वाइन को डाला जा रहा है, कैसे ये बहुत ही कलरफुल लग रही है। ये देखिए कितने सारे कैमरास लगे हुए हैं विजुअल को कैच करने के लिए, क्योंकि जब ये हर एंगल के शॉट्स बनाते हैं ना, तभी तो भाई एडिटिंग करते समय इनके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और तभी तो ये हर तरह के शॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एक एक विजुअल्स के लिए कई घंटे का इंतजार किया जाता है, लेकिन दोस्तों जब एक बार आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट और इसका एड हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। नंबर 8, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कैसे कबाब का एड बनाया जाता है। यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा इस खाने का नाम सुनकर। ये देखिए कितने क्लोजअप से शॉट लिया जा रहा है, वो भी आग के साथ। ओहो, और इसके बाद इसे उछाल कर पलटा जा रहा है। ये सब हो रहा है मशीन की हेल्प से। दोस्तों एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा, आखिर ये किसी भी प्रोडक्ट के एड को इतना स्लो मोशन में कैसे दिखा पाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एडिटिंग में इसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, जिससे कि आपको सारे शॉट स्लो मोशन में नजर आते हैं और साथ ही आपको अट्रैक्ट भी कर देते हैं और आपको सामान खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 9, दोस्तों इस तरह के एड्स तो भाई आपने बहुत देखे होंगे जिसमें दिखाया जाता है कैसे कोल्ड ड्रिंक को बर्फ वाले ग्लास में गिराया जाता है कि नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास अच्छे एड मेकर हैं तो वो किसी भी चीज को इतना बढ़िया बना सकते हैं जिसकी भाई आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देखिए कैसे एड्स को बनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से बर्फ को पहले ग्लास में गिरते हुए दिखाया जा रहा है और उसके बाद उसमें कोल्ड ड्रिंक मिलाई जा रही है। इसको देखने के बाद कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का दीवाना हो जाए यार। लेकिन इसे बनाने में दोस्तों कितनी मेहनत लगती है ये शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। ये भाई एड मेकिंग, एक एक फ्रेम को पकड़ कर चलना और उसके बाद एडिटिंग में कलर करेक्शन से लेकर सारे मोमेंट को बदलना, म्यूजिक को प्रोडक्ट के हिसाब से ढालना, ये सब काम बहुत लंबा होता है। देखने में तो आपको बस कुछ सेकंड्स का लगता है और इसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। नंबर 10, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पिज्जा के एड बनाए जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कई बड़ी कंपनियां आपको एक पिज्जा के एड के लिए इतना पैसा दे देती है कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन देखिए पिज्जा का एड बनाना बहुत ही अलग है। ये देखिए दोस्तों कैसे पिज्जा के ऊपर लगे हुए सामान यानी कि इंग्रेडिएंट्स को उभार कर दिखाने के लिए इसमें ड्रिल किया जाता है, इस पे नट्स को लगाया जाता है ताकि पिज्जा जो है वो देखने वालों को ऐसा लगे कि फटाफट से वो ऑर्डर कर दे। इतना ही नहीं, ये जो आप पिज्जा के ऊपर चिप्स देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कितने शानदार है, कितने बढ़िया है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में चीज होती नहीं है, ये होता है गम जिसे कोई नहीं खा सकता, ये सिर्फ चीज की तरह दिखता है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे नकली चीजों से बनाया जाता है पिज्जा का एड। नंबर 11, दोस्तों जब भी आप शैम्पू वगैरह का एड देखते हैं तो आप देखते होंगे लड़कियों के बाल, ओहो कैसे लहराते हैं, हैं? मानो ये बाल नहीं बल्कि समंदर का पानी हो। इसके पीछे दोस्तों होता है बहुत बड़ा राज। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मॉडल को ग्रीन पर्दे पर खड़ा कर दिया जाता है और उनके बगल में दो ऐसे लड़के खड़े होते हैं जो कि पूरी तरह से ग्रीन कपड़े में ढके हुए होते हैं, वो लड़की के बालों को फहराते हैं। दोस्तों आप देखिए इस एड को कैसे बनाया जा रहा है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ग्रीन कपड़े से यार आखिर होता क्या है। देखिए मैं बता दूं, इसे कहते हैं क्रोमा, जिसे बाद में किसी भी कलर किसी भी बैकग्राउंड में बदल दिया जाता है। नंबर 12, दोस्तों अब एक और एड देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कैसे मिनरल वाटर का एड बनाया जाता है। देखिए दोस्तों एड का मतलब होता है उसे कुछ इस तरह से बनाया जाए जिससे वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, लोग चाहें उस चीज को लेना। एड मेकर्स को दोस्तों हर चीज की बारीकी का ध्यान रखना होता है। लेकिन ये देखिए कैसे तरह तरह के कैमरे में फ्रेम किया जा रहा है इस विजुअल को, कैसे पानी आ रही है बॉटल से, कैसे ढक्कन खोला गया, कैसे पानी को नीचे ग्लास में गिरते हुए दिखाया जाए, ये सब चीजें किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लें। दोस्तों इस काम के लिए देखिए घंटों लग जाते हैं और बहुत कंसंट्रेशन वाला काम होता है ये। उसके बाद एडिटिंग लैब में जाकर आपको समय देना होता है जहां पर वीडियो एडिटर इसे फाइनल टच देता है। आपको बता दूं फिल्म मेकिंग हो या फिर एड मेकिंग, ये दोनों ही बड़े अट्रैक्टिव फील्ड है और इसमें काम वही कर सकता है जिसे इंटरेस्ट हो, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो यार कोई काम हो ही नहीं सकता है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके अंदर जिस चीज को लेकर इंटरेस्ट हो ना, आप अपनी जिंदगी में जो चीज करना चाहते हैं आप वही काम करें, उसी को अपना प्रोफेशन बनाएं। यकीन मानिए जिस दिन आपका शौक आपका करियर बन जाता है
तो आपको काम कभी काम नहीं लगता और पैसे बेशुमार आते हैं। तो दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा ऐड बड़ा कमाल का लगा जरा हमें कमेंट करके बताइए, और संग में वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं और आप हमारी वीडियोस देखते जाएं। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।